नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह व डीसी रूपनगर सोनाली गिरी के प्रयास से बीबीएमबी की नंगल वर्कशॉप में स्थित ऑक्सीजन प्लांट को फिर से शुरू करने की मुहिम को तेज कर दिया है, जिसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता है। बता दें कि वर्ष 2011 में इस प्लांट को बीबीएमबी ने बंद कर दिया था। देखें सिटी हलचल की है विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। दोस्तों, ये है बीबीएमपी नंगल वर्कशॉप में 2011 से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट, जिसे भाखड़ा बांध के निर्माण काल के दौरान स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी उपयोगिता ना होने के कारण बीबीएमपी मैनेजमेंट ने इसे 2011 में बंद कर दिया था। लेकिन अब देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और देश में ऑक्सीजन की भारी कमी होने के कारण पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह व डीसी रूपनगर सोनाली गिरी के प्रयासों के चलते बीबीएमबी मैनेजमेंट इसे फिर से चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बीबीएमबी के मुख्य अभियंता कमलजीत सिंह के नेतृत्व में काम भी शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस प्लांट की क्षमता 100 ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की थी, जिसे विदेशी कंपनी की तरफ से लगाया गया था। समय बीतने पर विदेशी कंपनी का करार खत्म हो गया और कंपनी जहां से चली गई, लेकिन अब जो हालात पैदा हुए हैं उन हालातों से निपटने के लिए बीबीएमबी मैनेजमेंट और पंजाब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस विदेशी कंपनी के बम्बई स्थित दफ्तर से संपर्क साध लिया है। यही नहीं, बीबीएमबी के ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले इंजीनियरों सुपरवाइजरों जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं ने भी बीबीएमबी को ये प्लांट चलाने के लिए अपनी सेवाएं निशुल्क देने की पेशकश की है। उधर जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु बीबीएमबी के उप मुख्य अभियंता हुसन लाल कंबोल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उक्त प्लांट को फिर से चलाने का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पावर मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें ये प्लांट चलाने के लिए आदेश हुए हैं, जो देश में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्ण प्रबंध किए जा चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि आज के एक दिन बाद ये प्लांट फिर से काम करना शुरू कर देगा और इस प्लांट से पैदा होने वाली ऑक्सीजन से पंजाब में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए बीबीएमबी के उप मुख्य अभियंता हुसन लाल कंबोई ने क्या कहा। अपना ये प्लांट बहुत पुराना, सन 1954 में लगाते हैं हम, और उस टाइम यह नंगल या दिल्ली ही प्लांट होता था ऑक्सीजन की, और इसकी 100 सिलेंडर की कैपेसिटी थी उस टाइम में जब नया प्लांट लगा था। जो बड़े बड़े सिलेंडर है लगभग 45 लीटर उसके गैस के, और आज ये 2011 में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस आ गई थी मार्केट में और आसपास प्राइवेट प्लांट भी लग गए थे, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी घट गई। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा थी कटिंग के लिए और असली दो गैस हम यहाँ बनाते थे, तो फिर इसको उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद का डिसीजन लिया, भी बाहर से सस्ती पड़ती है तो शुरू हो गया। जैसे अब देश में काफ़ी क्राइसिस आए तो बीबीएमबी के मन में भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर से भी मैसेज आया थ्रू चेयरमैन बीबीएमबी चीफ इंजीनियर, ताकि इसको रिव्यू करें जो इसमें हम बीबीएमबी क्या हेल्प कर सके लोगों, तो इस पर लगभग 7 दिन से हम काम कर रहे पिछले, और आज लगभग इस स्टेज पे पहुंच गए, शायद हम कल तक इसको रनिंग में ले आए। बाहर से जो कुछ फोरमैन रिटायर्ड थे वो बेचारे अपने आप पहुंच गए, भी हम भी देश सेवा में शामिल होना चाहते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्चे के, वो लोग भी यहाँ के काम कर रहे हैं इस टाइम। और उम्मीद है अभी ये प्लांट नहीं 100% कुछ कैपेसिटी है तो चलेगा, और ताकि बीबीएमबी की तरफ से और अपने सबको आसपास के हॉस्पिटल को, उसको पंजाब तो कवर हो, बाहर नहीं जाना पड़े किसी, पहली प्रायोरिटी तो पंजाब ही रहेगी इसकी, बाहर तो तभी जाएगी यहाँ अगर एक्सेस रहेगी तो। सर, 3 आदमी का स्टाफ ही चाहिए राउंड दिख लो, एक बार चलाने के बाद इसको बंद नहीं कर सकते, एक ऑपरेटर या 2 बंदे इसके कंटिन्यू इसकी देखभाल करेंगे जब ये चल पड़ेगा। इसको चलाने की पड़ रहा है? नहीं, इसमें तो कोई मटेरियल भी बाहर से नहीं आना, सिर्फ एक मीठा सोडा चूर्त पड़ती है, अभी 24 घंटे में 10 kg के आसपास लगता है इस प्लांट में इसको प्योरिटी के लिए, अदरवाइज तो एटमोसफियर से एयर लेके उसी को लिक्विड में कन्वर्ट करके देन अगेन उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा, इसके बाहर से लिक्विड की भी जरूरत नहीं है। काफ़ी एडवांस प्लांट था उस जमाने में, पर आज थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी इसलिए ऐसा है, और इस सामान स्टोर में भी अवेलेबल अभी भी है, जो चीज़ है नहीं तो वो फिर कहीं भी नहीं मिले क्योंकि फॉरन बेस्ड है, और इसमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो मिनिस्टर हैं ऑनरेबल आर के सिंह जी, जो इसका इंडिया में जहाँ जहाँ भी इसके कंपनी के हैं, बॉम्बे और पुणे में इसके हैं हेडक्वार्टर, सेम कंपनी के
वो उनसे भी बातचीत कर रहे ताकि वहाँ से इनका इंजीनियर बुला के इसको प्रॉपर चेक और इसमें इम्प्रूवमेंट करा जा सके ताकि अच्छी एफिशिएंसी आए। मुख्तार है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से हमारे मिनिस्टर साहब इसकी उसमें लगे हुए हैं ताकि उनका इंजीनियर आए अगर जो इसमें कोई एफिशिएंसी कम है जिस पार्ट की ताकि उसको बढ़ाया जा सके ताकि एक अच्छा रिजल्ट आए। उधर पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने भी इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि देश में जो हालात ऑक्सीजन की कमी को लेकर पैदा हुए हैं उससे निपटने के लिए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट के इस प्लांट का शुरू कर नंगल से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की जो पहल की है वह सराहनीय कदम है। राणा केपी सिंह ने कहा कि मैंने खुद पर डीसी रूपनगर ने भी बीबीएमबी मैनेजमेंट से बात कर उक्त प्लांट को फिर से शुरू करने की बात कही थी। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए राणा केपी सिंह ने इस बारे में क्या कहा। असी इहदे बारे बड़े सीरियस हैं। असी चार दिन पहला बीबीएमबी नूं अल्टीमेटम देता सी कि यार जी नूं प्लांट नूं चलाओ जे तुसी नहीं चलाउंदे तां मैं डिप्टी कमिश्नर रोपड़ नूं इह गल कही थी। अज दिन चार पंज हो गए कि इहनूं प्लांट नूं अपने कब्जे 'च लै के असी चलावांगे, लेकिन इहदे 'च इक दिक्कत है। इह प्लांट सन 1954 'च लग्गिया सी। 54 'च जदों लग्गिया ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕਰੋ। ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਨੰਗਲ ਸੇ ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਅਸ਼ੋਕ ਚੋਪੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।